Hello friends, welcome to my channel Vidya's Cookbook. आज हम बनाएंगे सूजी टोस्ट. इसके लिए मैंने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ली है, दही, ग्रीन चिलीज, ओरिगेनो, सूजी, नमक, हरा धनिया, कैप्सिकम, ऑनियन एंड ग्रीन ऑनियन. हम बनाना स्टार्ट करते हैं. मैंने हाफ कप सूजी ली है, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. इसके बाद डाल रही हूँ चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून, ओरिगेनो सीड्स, हाफ टी स्पून प्याज लिया है मैंने 1 से 1.5 टीस्पून, कैप्सिकम. अब हम मिलाएंगे ग्रीन ऑनियन 1 से 1.5 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया. अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. इसमें हम गाजर और टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम ऐड करेंगे दही, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. हम और थोड़ा दही डालेंगे. हमें इस मिश्रण को एक पेस्ट की तरह बनाना है और इसे 10 मिनट के लिए अब हम ढक के रखेंगे. 10 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है. अब हम टोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके ऊपर मैं टमाटो केचप को स्प्रेड करूंगी अच्छी तरह से. आप अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो रेड चिली सॉस यूज कर सकते हैं या फिर शेजवान चटनी यूज कर सकते हैं. अब थोड़ा सा मिश्रण लेके हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे. अच्छी तरह से पूरी स्लाइस को कवर कर लेंगे. तवा गरम हो गया है, मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल. आप चाहे तो बटर का यूज कर सकते हैं. अब हम इस पे टोस्ट को सेकेंगे. जिस साइड पे हमने सूजी का पेस्ट लगाया हुआ है वो साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे. अब हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे. दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेकेंगे. टोस्ट हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, नीचे की तरफ से क्रिस्पी हो गया है. इसी तरह से मैं सारे टोस्ट बना लूंगी. हमारे टोस्ट बिल्कुल रेडी है, आप इसे ट्राई करके देखिए. ऐसी और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.